Hello friends, welcome to my channel. आज मैं आप लोगों को 40 साइज स्लीवलेस प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। ये मैं पिछली वीडियो में काट किया है। इसका काटिंग का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिए। फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, अब अभी तक मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखिए, पहले हम डोरी सिलाई करना है। ये देखिए, दोरी सिलाई कर लिया, अभी हम इसको पलटना है। तो देखिए किस तरह से पलटना है। ये देखिए, हमें सुई से पलटना है। इस तरीके से देखिए, उल्टा साइड से हम इस तरह से लेना है। ऐसे करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से खींचना है। इस तरीके से डोरी बनाना है तो हम इसको भी ठीक उसी तरह से डोरी बना लेना है। ये देखिए, डोरी सिलाई कर लिया, अभी हम सिलाई कर रहे हैं। तो देखिए, ये देखिए बैक साइड का हमें अलग से नेक पुट्टी सिलाई नहीं करना है। देखिए, यहां से हमें डोरी सिलाई करना है। यहां से देखिए, हमें 4 इंच तक रखा हमें सिलाई करना है। उसके बाद देखिए, दूसरा साइड भी सिलाई करना है। यहां से हम 4 इंच तक सिलाई करना है। उसके बाद देखिए, हमने कुछ छोटा छोटा काट लगाने हैं उसको पलटने के लिए। ये काट नहीं लगाने से आपको पलटने से भी नेक का फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए ये काट देना है हर कमीज में हर ब्लाउज में। तो देखिए, पलटने से पहले हम अस्तर का साइज से एक सिलाई करना है ये फिनिशिंग के लिए। इस तरह से लेना है। ये देखिए, तो इसको हम अभी सीधे साइड की तरफ से लाना है। इसको देखिए, हमें सीधा साइड की तरफ से लेना है। ये देखिए, इस तरफ से मिला कर लेना है।
ये देखिए एक को हम छोटे साइड की तरफ से लेना है, फिर इसको इस तरह से करना है। तो देखिए अस्तर का साइज से ही हम सिलाई करना है। ये देखिए इसको इस साइड में रखना है। अगर इसको इस साइड में रखने से आपका सिलाई में थोड़ा मिलाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसी साइड की तरफ से रखकर सिलाई करना है। फिर देखिए हम इसको इस तरह से फुल करना है, फुल करकर सिलाई करना है। फिर देखिए इसको इस तरह से अंदर की तरफ से फुल करना है। ये देखिए इस साइड में हो गया है। दूसरा साइड के लिए हमें सिलाई करना है। ये देखिए ये जो हम बड़ा साइज के लिए पट्टी काट किया है हम इस साइड में लगाना है। इसका हम देखिए उल्टा साइड की तरफ से सिलाई करना है। ये देखिए ये देखिए हम यहाँ से हाफ इंच का लगभग और सिलाई किया है यहाँ फोका कर सिलाई करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए हमें बैक साइड की तरफ से टैक्स लगाना है। ये टैक्स आपको कितने इंच पर लगाना है, ये देखिए ये टैक्स हम 4 इंच से लगाऊंगे। आपको कितने इंच तक उठाकर सिलाई करना है आप अपने हिसाब से उठाकर सिलाई कर लीजिए। और देखिए यहाँ से हाफ इंच से लेकर सिलाई करना है, हाफ इंच से ज़्यादा नहीं। ये देखिए इस तरीके से टैक्स लगाना है। फिर हम दूसरा साइड की तरफ से भी टैक्स लगाना है। ये देखिए इसको हम यहाँ से मेजरमेंट लेना है, यहाँ से ये देखिए पहला हम इसको सिलाई करना है। तो देखिए इस तरह से हमें छोटा छोटा काट लगाना है। इस तरह से पलटता है।
ये देखिए, अभी हम इस पार्ट को सिलाई करना है। ये देखिए, इसको यहाँ से मिलाकर सिलाई करना है। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई किया है। अब यहाँ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये इस साइड में है। और यहाँ से हमें आमूल प्रति काट करना है। उसके बाद आमूल प्रति सिलाई कर लेना है। तो देखिए, आमूल प्रति को हम हाफ इंच लेकर सिलाई करना है। इसमें हमें कोई प्लेट नहीं डालना है, ये आमूल प्रति है। अगर नेक होने से हम इसमें एक दो कर प्लेट डालना था। उसके बाद देखिए, हमें अंगूर का हम छोटा छोटा काट लगाना है। उसके बाद देखिए, अंगूर पट्टी के साइड से हमें एक सिलाई करना है। और देखिए, अंगूर पट्टी को इस तरीके से हमें अंदर की तरफ से फुल करना है, फुल करके सिलाई करना है। ये देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पर रखेंगे, यहाँ से भी 3 इंच पर ही रखना है। ये देखिए, अंगूर का हम छोटा छोटा काट लगाना है। उसके बाद आमूल पट्टी को फुल करके सिलाई करना है। तो देखिए, इस तरीके से 2 फोल्ड करना है, फिर हम सिलाई करना है। फिर देखिए, हमें साइड से एक सिलाई कर लेना है। ये सिलाई हम कमर पट्टी सिलाई करने के लिए सिलाई करना है। देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पर आकर सिलाई करना है।
फिर देखिए दोनों होकपत्ती को इस तरह से मिला कर देखना है, एकदम बराबर है। तब हम देखिए पट्टी के साथ हमें इस तरीके से एक सिलाई करना है। देखिए उसके बाद इसको इस तरह से फुल करना है अंदर की तरफ से, तब हम सिलाई करना है। तो देखिए अभी हम 40 साइज के हिसाब से सिलाई करना है, तो देखिए 40 साइज के निशाना है। ये देखिए इस तरह से पलटना है इसको भी, और ये इस तरह से। तो अभी हम देखिए दोनों को बराबर आकर हमें काट कर लेना है। आपको जितने इंच तक फ्लावर का लंबाई चाहिए आप उतने से आकर काट कर लीजिए। ये देखिए इसका सिलाई कंप्लीट है। ये देखिए ये फ्रंट साइड है, बिना पेडल के सिलाई किया है, और ये बैक साइड है। इसको सिलाई करना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।